जय माँ भद्रकाली। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दो मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही चमत्कारी रुद्राक्ष माना गया है और इसमें कई गुण हैं। इस बारे में हम आप लोगों के साथ विस्तार में चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। ये चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्योतिष से संबंधित यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और मन की शांति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ स्नायु तंत्र के विकार और अच्छी नींद के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष काफ़ी लाभकारी माना गया है। दो मुखी रुद्राक्ष माँ शक्ति के साथ संयुक्त भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप है। चंद्रदोष को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय होता है दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष के जन्मदाता स्वयं भगवान शिव हैं और इसका प्रमाण स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों में मिलता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और इसका प्राचीन काल से ही आभूषण में उपयोग होता रहा है। तो दो मुखी रुद्राक्ष जिसका संबंध ही चंद्र ग्रह से होता है तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी और इसे किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए और इसका बचाव क्या है, तो इस बारे में आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। दो मुखी रुद्राक्ष में साक्षात शिव और पार्वती बसते हैं। इसे धारण करने के बाद आप अपनी सारी समस्याएं ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वही आपके बिगड़े काम संवारेंगे। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी माना गया है। जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदार, बच्चों और माता पिता से आपके बहुत अच्छे संबंध बनाने के लिए यह एक शक्तिशाली उपाय है। और दो मुखी रुद्राक्ष कई किस्मों में आता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो नेपाल और इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष है वो सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे बेहतर क्वालिटी नेपाल का होता है, उसके बाद इंडोनेशिया का, बाकी तो बहुत सारी जगह से रुद्राक्ष मिलते हैं। और वैसे तो दो मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन दो मुखी रुद्राक्ष का संबंध चंद्र देवता से है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए यह धारण करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। या जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह नकारात्मक या शुभ स्थिति में विराजमान हो, जैसे चंद्र के साथ राहु की युति हो, चंद्र के साथ केतु की युति हो जहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है, या चंद्र के ऊपर शनि या राहु केतु की दृष्टि हो, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थितियों में दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करना एक प्रभावशाली उपाय माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष को आप चांदी में कवर करवा करके, क्योंकि चांदी चंद्रमा का धातु होता है, और चांदी की चैन में गले में धारण करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। परीक्षण के लिए इसे लैब से आप प्रमाणित भी करवा सकते हैं या इसे आप वाटर टेस्ट भी ले सकते हैं, इसे बॉईल करके भी, उबाल करके भी देख सकते हैं। अगर नकली रहेगा तो उबालने में ये पिघल के ख़त्म हो जाता है। असली रुद्राक्ष आप 4 घंटे पानी में डालकर बॉईल करिए, कुछ नहीं होने वाला है। और इसे धारण करने से पहले ओम नमः शिवाय का और ओम सोम सोमाय नमः का जाप जरूर कर लेना चाहिए, लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे आमतौर पर
इस रुद्राक्ष को हर कोई धारण कर सकता है और इसका लाभ ले सकते हैं बचाव में, जैसे आप किसी अशुभ घटना में, जैसे किसी की मैयत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो वहाँ पर इसको पहनकर न जाएं तो ज़्यादा लाभकारी है। और यदि आप जैसे नित्य क्रिया में जा रहे हैं, टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ अगर इसको उतार के जाएं तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और इसकी बहुत सरल पहचान है, इसकी दोनों धारियाँ क्लियर, जितना ज़्यादा धारी क्लियर रहेगी उतना बेहतर क्वालिटी का रुद्राक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित किसी परेशानी का निवारण चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।